तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन खुद ही अपने देश के बर्बादी की कहानी लिख रहे हैं, क्योंकि रूस की चेतावनी के बाद भी तुर्की अपने जीत पर अड़ा है और कसम खाई है कि तुर्की सीरिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अपनी सेना नहीं हटाएगा। राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा है कि रूस के अगले जवाब के बाद ही तुर्की अपनी अगली रणनीति तय करेगा। दरअसल सीरिया के अंदर रूस और तुर्की के बीच सारे समझौते खत्म हो चुके हैं, लेकिन गुरुवार को हालात उस वक्त और खराब हो गए जब तुर्की के समर्थन वाले गुटों ने सीरिया की सेना के ऊपर हमला करने की तैयारी रहे थे, लेकिन रूस ने पहले ही हवाई हमला करके तुर्की के समर्थन वाले गुटों को खदेड़ दिया। लेकिन रूस के इस हमले में तुर्की के भी 4 सैनिक मारे गए। दरअसल तुर्की इस वक्त बहुत बुरा फंस चुका है। अमेरिका से बगावत कर चुके तुर्की के रूस के साथ भी रिश्ते बिगड़ चुके हैं और नाटो संगठन भी तुर्की को अकेला छोड़ चुका है। ऐसे में तुर्की ने जर्मनी और फ्रांस से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है और एर्दोगन ने कहा है कि जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने 5 मार्च को पुतिन के साथ चारपक्षीय बैठक का प्रस्ताव रखा है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने इस बैठक को लेकर अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। लेकिन रूस ने चेतावनी दे दी है कि अगर तुर्की अलगाववादियों को अपना समर्थन देना बंद नहीं करता है तो यह लड़ाई और भी गंभीर हो सकती है। इसलिए तुर्की रूस के समर्थन वाली सीरियाई सरकार पर किसी भी तरह की कार्यवाही करता है तो फिर तुर्की के हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तब इस लड़ाई को नियंत्रित करना तुर्की के बस में नहीं होगा। रूस ने कहा है कि तुर्की का कोई भी गलत कदम रूस को एक बड़ी सैन्य कार्यवाही करने पर मजबूर कर सकता है। इसलिए रूस तुर्की को किसी भी बड़े रक्तपात से बचने के लिए पहले से ही संभल कर कदम उठाने की नसीहत दे रहा है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि अगले महीने होने वाली बैठक में जर्मनी और फ्रांस रूस और तुर्की के बीच हालात को सामान्य कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर हालात सामान्य नहीं हुए और तुर्की अपने जिद पर अड़ा रहा तो फिर रूस को तुर्की पर एक बड़ी कार्यवाही करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट कर दिया है कि सीरियाई सरकार पर किसी भी कार्यवाही को रूस बर्दाश्त नहीं करेगा।